एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो यार, ये वाली वीडियो ना हम लोग ऑफ रोडिंग पे बनाने वाले हैं। मतलब ये आप देख सकते हो ऑफ रोडिंग व्हीकल है। ये वाला जो देख रहे हो ये इसका 4x4 वाला वेरिएंट है। इससे पहले हमने नॉर्मल वाला रियर व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट ड्राइव किया था। तो भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बस फटाफट जाके ना हम लोग ब्रीफिंग सुन लेते हैं, उसके बाद हम निकलेंगे। तो भाई अपनी ब्रीफिंग कम्प्लीट हो गई है, अब हम लोग ऑफ रोडिंग करने के लिए निकलेंगे। 6 गाड़ियाँ एक साथ जा रही है यार, पता नहीं आउटर से शॉर्ट्स कैसे आएंगे क्योंकि बहुत बारिश हो रही है। पर चलो लेट्स गो। तो ये जो गाड़ियाँ हम लेके जा रहे हैं ना, ये 4x4 है और इस पे बैजिंग भी है यहाँ पे 4 एक्सप्लोर की। यार ये मस्त चीज़ है, एकदम मस्त पॉइंट करने के लिए। अभी यार ये नॉर्मल मोड है, हमें इस वाले मोड पे डालना है और हमें चाहिए 4 व्हील लो। अभी 4 हाई एक्टिवेट होगा बट हमें डालना है 4 व्हील लो पे। तो भाई ये हमने इस पे डाल दिया, ये ब्लिंक करने लग रहा है। अभी ये सेट हो जाएगा, फिर इसी पे लाइट आएगी। लो अब ये 4 हाई हो चुका है। अब इसको ना न्यूट्रल पे डाल के हम इसको 4 लो पे डालेंगे। तो भाई ये देखो 4 लो एक्टिवेट हो गया एंड यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये देखो। तो भाई 6 गाड़ियों का काफिला निकल चुका है। अभी आगे हमारे गाड़ियाँ हैं और कुछ गाड़ियाँ हमारे पीछे भी है। तो ये देखो यार, यहीं से थोड़ी थोड़ी ऑफ रोडिंग चालू हो गई है। ऊपर से सोने के ऊपर सुहागे का काम कर दिया है बारिश ने। तो भाई चलो भाई, मजा आता है मुझे ये काम करने में, मजा बहुत आता है। थोड़ा सा कहीं डर लगता है। तो मस्त पानी में से निकल रहे हैं अभी हम लोग एंड थोड़ा सा ना यहाँ पे गैप मेंटेन करना जरूरी है बिकॉज यू नेवर नो यार। तो भाई ये बहुत ही छोटा सा टर्न था और यहाँ पे पूरा कीचड़ वाला पानी है। बहुत ही आराम आराम से, प्यार प्यार से बस गाड़ी के साथ और गाड़ी मेरे साथ कोऑपरेट करते हुए निकल रहे हैं। अभी यहाँ पे ये लोग खड़े हुए हैं हमें साथ साथ ब्रीफिंग देने के लिए। तो सुनते हैं भाई क्या कहना है इनका। It's always on 4 wheel low, right? Hmm. And maintain a distance of 2 cars at least, because some places it'll slide. Yeah. Slide down. Yeah. So you will have enough space, all right? Okay. Enjoy the ride. Thank you. उन्होंने बोला है मैनुअल डालने को और कहा है थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा मेंटेन करो। मैंने वो पहले ही बोला था क्योंकि यार सही है, एग्जैक्टली हम लोगों को भी टेरेन का कुछ पता नहीं है। तो ट्रिकी टेरेन पे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी हो जाता है। ये देखो हमने ऑटोमेटिक को मैनुअल में डाल दिया है। वो देखो यार, यहाँ पे पूरा मस्त ऑफ रोडिंग ट्रैक है और ठंड सी लगने लग रही है। एसी बिल्कुल लोएस्ट पे वर्क कर रहा है फिर भी। वो देखो पहाड़, बादल, बारिश सब कुछ ही है। वो देखो उधर गाड़ी जा रही है। तो लो भाई यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग हो रही है प्यार प्यार से। सारे ऑब्स्टेकल्स हमारे कवर हो गए हैं। अभी हमें यहाँ से ना ऊपर जाना है। चलो भाई धीरे 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 चलते हैं। और यार ऑफ रोडिंग में ना कभी भी जल्दबाजी मत करना, प्यार से निकालो गाड़ी, आराम से निकलेगी। यार ऑफ रोडिंग करने में ना मुझे बहुत मजा आ रहा है। यार मैं इसको चला रही हूँ ना तो मुझे काफी केपेबल फील हो रही है कार। कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि भाई फंस जाएगी, आराम से निकल रही है हर एक जगह से, हर एक ऑब्स्टेकल से ये आराम से निकली है। इसने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। और ना उन्होंने हमें पहले ही बोल दिया था इसको मैनुअल में 4 व्हील लो पे ही रखना है। तो भाई हमने इसको कहीं शिफ्ट नहीं किया, ना तो हमने इसको ऑटोमेटिक पे शिफ्ट किया है, ना हमने इसको 4 व्हील हाई पे शिफ्ट किया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ऑफ रोडिंग है ना काफी अच्छा ट्रैक बनाया हुआ है। मतलब बुरी से बुरी जो कंडीशन होती है ना वो यहाँ पे क्रिएट की हुई है। और मुझे लगता है इससे थोड़ा और डिफिकल्ट लेवल भी होगा ना तो भी आराम से पार कर लेगी। यार इन्होंने बहुत ही अमेजिंग ऑब्स्टेकल्स बना रखे हैं, पर यार बहुत मजा आ रहा है मुझे करने में। अभी लास्ट वाला ना काफी स्लिपरी था और मतलब टायर्स का तो पता नहीं, मुझे भी फील हो रहा था कि गाड़ी स्लिप हो रही है। अगर गलती से हार्ड ब्रेक डाल देती तो सीधा स्किट मारती हुई नीचे जाती गाड़ी। ब्लैक कलर में ना एकदम मस्त तो लग रही है देखने में। ऊपर से ऑफ रोडिंग करती हुई और भी ज्यादा सुंदर लगती है गाड़ी मुझे। वैसे अपनी भी ब्लैक कलर में है।
आई नो मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, बार बार बोल रही हूँ, बट यार ऑनेस्टली गाड़ी बहुत ज़्यादा केपेबल है. किसी भी ऑब्स्टेकल में हमें ऐसा फील नहीं हुआ कि ये नहीं कर पाएगी, बस चलती जा रही है, चलती जा रही है. ये देखो यार, एक बार रास्ता देखो, मतलब बंदा पैदल चलते भी डर जाए. और हम लोग यहाँ पे गाड़ी लेके जा रहे हैं. भाई यहाँ पे ना ट्रैक खत्म हो गया, जितना भी ऑफ रोडिंग का ट्रैक था. अभी वापस हम लोग वैसे ही वापस आने वाले हैं, उसी ट्रैक से, उसी जगह पे. तो मैं तो एक बार ऑफ रोडिंग कर चुकी हूँ. अभी हमारे कैमरा पर्सन को भी थोड़ी सी चुल हो गई कि भाई मैं भी ऑफ रोडिंग करूंगा, तो मेरे को यहाँ पे बिठा दिया गया है और खुद कर रहे हैं ऑफ रोडिंग. और बस हम लोग लाइन में खड़े हैं, वेट कर रहे हैं अपनी बारी का. तो भाई इसको मैंने यहाँ पे ब्रीफिंग दे दी है कि इसको फोर व्हील लो पे ही रखना है और इसको इसी मोड पे रखना है, आए थर्ड वाले मोड पे रखना है. अब हम तो ऑफ रोडिंग कर चुके हैं, हम तो प्रो हो गए, अब हम ब्रीफिंग दे देते हैं. तो अभी हम लोग वापस जाएंगे. ये लोग यहाँ पे ना टीम से खड़े हुए हैं हमें बताने के लिए कैसे जाना है, कुछ भी, मतलब छोटी छोटी डिटेल्स ये लोग हमें प्रोवाइड कर रहे हैं. तो भाई मेरा काम पूरा हो गया है, अब मैं सनरूफ से बाहर निकल रही हूँ, जो मुझे मेरी कमर पे बहुत चोट लग रही है. जितनी जल्दी गई थी उतना ही जल्दी नीचे आ गई, क्योंकि गाड़ी थिरक थिरक के चल रही है, मटक मटक के, और मेरी कमर पे इतनी जोर से लगी ना सनरूफ की, सनरूफ की नहीं ये वाला हिस्सा पूरा चुभने लग गया. तो मैं बाहर आ गई, वैसे भी ऐसे पत्ते ना लग रहे हैं गाड़ी पे तो चोट लग जाती, इसलिए मैं यहीं नीचे आके बैठ के ठीक हूँ. तो इससे पूछते हैं कि इसको ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस कैसा लगा. बता भाई कैसा लगा तुझे एक्सपीरियंस? अच्छा है, मतलब काफी कैपेबल लग रही है गाड़ी. एग्जैक्टली मेरे को ऐसा एक बार भी नहीं लग रहा कि कहीं रुकेगी, कहीं मतलब ये तो चढ़ ही नहीं पाएगी, ये तो रुक जाएगी एकदम. यार ये देखो कितनी तेज बारिश आने लगी है, सारे बादल हमें यहीं पे ही नजर आ रहे हैं, शायद आपको इतने नजर ना आ रहे हो, बट ये देखो और स्लिपरी हो जाएगा सरफेस. हम लोग सब वापस ही जाने लगे थे, इतने में फिर से बारिश आ गई. ये बारिश इतनी हो रही है यहाँ पे, समझ ही नहीं आ रहा. तभी सब ये लोग ना, जितने भी बेचारे इंस्ट्रक्टर्स हैं, ये रेनकोट वगैरह लगा के बैठे हुए हैं. तो भाई हम वापस ड्राइवर स्विच हो गए हैं. मुझे ना मतलब बिल्कुल भरोसा नहीं होता किसी पे भी. ऐसा लगता है कि मैं चलाऊंगी तब तक ठीक है, और कोई ना चलाए बस. तो बस मेरे से नहीं सबर हो रहा था, मैंने चेंज कर लिया. मैं कहा बस अब तो दे दे, बहुत होगी ऑफ रोडिंग तेरी. जरा ये देखो गाड़ी के साथ साथ ये भी ऑफ रोडिंग करके आया. तो हम लोगों की ऑफ रोडिंग पूरी कंप्लीट हो गई है, बहुत मजा आया. एंड कहना पड़ेगा यार, वाकई में गाड़ी बहुत ज़्यादा कैपेबल है, एंड बहुत बहुत इंजॉय किया हमने. अब भाई हम लोग लेट हो चुके हैं ऑलरेडी, हमारी फ्लाइट है 8 बजे की, 4:30 यहीं बज गए, और 2 घंटे का रास्ता है एयरपोर्ट तक. तो बस निकलते हैं. तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं. आई होप आज की ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी. बाय बाय.